जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल की लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ दोस्तों, मैं इस वीडियो को बार बार देखता रहा और चूंकि फौजियों के साथ मेरे ताल्लुकात हैं तो मुझे लगा था कि इस वीडियो को देखने के बाद मेरी आंखें नम हो जाएंगी या मेरा गला रुआंसा हो जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। और आप जानते हैं मुझे विंग कमांडर अभिनंदन के शौर्य पर या इंडियन एयरफोर्स के शौर्य पर इतना सा भी शक नहीं है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने हमारे पायलट्स को कब्जे में कर रखा है, इतना सा भी शक नहीं है। भारत ने मान लिया कि विंग कमांडर हमारा अपना है, और अगर भारत नहीं भी मानता दोस्तों तो इन न्यूज चैनल्स का यह घटिया निचले स्तर का प्रोपेगेंडा चलता रहता। युद्धोन्माद की तरफ, वॉर हिस्टीरिया की तरफ देश को ढकेलने का प्रोपेगेंडा चलता रहता। मगर आज मैं आपके सामने कुछ और मुद्दों की बात करने आया हूं दोस्तों। मैं आपके सामने बात करने आया हूं बेशर्म सियासत की। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो, ये तस्वीर देखिए। 28 फरवरी को मोदी जी करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंस। 15,000 जगहों से पार्टी के कार्यकर्ता, समाज के सभी वर्गों के लोग, वॉलंटियर्स इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में मोदी जी से करेंगे सीधा संवाद। पूछिए अपने सवाल NM ऐप या सोशल मीडिया पर मेरा बूथ सबसे मजबूत #, के साथ। आई विल बी गोइंग टू द नियरेस्ट वेन्यू विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। गेट द डिटेल्स फ्रॉम नरेंद्र मोदी ऐप। आइए 2019 में फिर मोदी सरकार बनाए। न्यू इंडिया वॉन्ट्स नमो अगेन। क्योंकि 28 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में सबसे बड़ा वीडियो कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, एक ऐसे मौके पर जब तमाम राजनीतिक दलों ने अपने तमाम फंक्शंस जो हैं कैंसिल कर दिए थे। उस वक्त जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, कांग्रेस ने अपना फंक्शन कैंसिल कर दिया था, मगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कभी नहीं करती है दोस्तों। अब एक और तस्वीर देखिए। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने कह रहे थे कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, तब आप उनके मंच पर उनके भाषण के पीछे यानी कि उनके पीछे इन तस्वीरों को देखिए। चूरू की धरती से मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है। यहां पर उन 44 शहीदों की तस्वीरें, यानी कि अब सियासत का यह स्तर होगा कि आप हमारे शहीदों की तस्वीरों को अपने मंच पर लगाएंगे। क्या प्रधानमंत्री को इस बात का आभास था? क्या आभास था? क्योंकि देखिए, आपने अपनी, आपकी अपनी इंटेलिजेंस फेलियर के चलते, आपकी अपनी गलतियों के चलते पुलवामा हुआ। आपने कश्मीर को अपने निजी सियासत के लिए बार बार उसे आग की तरफ ढकेला, जिसके चलते वहां हालात बद से बदतर हो गए। और फिर जब कल ये सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जश्न में डूब गई। किस बात का जश्न भाई, किस बात का जश्न? और अब तुम अपनी जश्न की तस्वीरों से जोड़ के देखो विंग कमांडर अभिनंदन की इस तस्वीर के साथ। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का जश्न तो दूसरी तरफ हमारा जांबाज अभिनंदन पाकिस्तानियों के कब्जे में। और अब बताइए कि क्या यह इस निचली सियासत के चेहरे पर एक घटिया तमाचा नहीं है? दोस्तों, कल यह खबर आई, यह दावा किया, और देखिए किसी भी ऑफिशियल ने, भारत के किसी भी अधिकारी ने यह नहीं कहा कि 200 से 300 आतंकवादी उस सर्जिकल स्ट्राइक में मारे गए हैं, किसी ने नहीं कहा, मगर न्यूज चैनल्स चलाने लग गए। मैंने सोचा कि मैं पूछूं कि भाई इसका स्रोत क्या है, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। और जानते क्यों नहीं किया? मैंने इसलिए नहीं किया दोस्तों क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरे टेलीफोन नंबर को सार्वजनिक कर दिया गया है। मुझे गंदी गंदी गालियां आ रही हैं, भद्दी भद्दी गालियां आ रही हैं, मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है, मेरे परिवार के सदस्यों के बारे में अश्लील बातें कही जा रही हैं। क्यों? क्योंकि मैंने इस सरकार से सवाल किए हैं, मैंने इस सरकार को कटघरे में रखा है, और यही वजह है, उसी डर से मैंने सोचा कि मैं ये सवाल नहीं करूंगा कि ये 200 से 300 आतंकवादी जिनके मारने की आप बात कर रहे हैं उसका सोर्स क्या है।
मैं तो डर गया दोस्तों, मैं तो कायर हूं क्योंकि इस देश का मीडिया ही कायर है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस औरत को भी देशद्रोही करेंगे? ये औरत, पहले आप इसकी बात सुनिए, फिर मैं आपको बताऊंगा ये औरत है कौन। बिल्कुल संतुष्टि नहीं है बेटा, सही दुया बहुत माँ के लाल गए, बिल्कुल नहीं संतुष्टि, ना एक भी दिखाया गया, मरा हुआ खाली घरों पे ही छोड़ा गया। अब हम उनके मरने की ना तो डेड बॉडी कोई दिखाई गई, ना उनकी कोई खबर, बिल्कुल नहीं संतुष्टि, बहुत गंभीर है बेटे की। दोस्तों ये औरत है शामली में मौजूद और इसका बेटा उन सीआरपीएफ जवानों में शामिल था। आज वो इस सरकार से पूछ रही है कि जब तक मैं आतंकवादियों की लाशों को नहीं देखूंगी मैं कैसे एतबार कर लूं कि बदला ले लिया गया है। आज मैं अपील करता हूं अपने न्यूज चैनल से, इस सरकार के दो दो रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाले चाटुकारों पर कि कहो इस मां को कि यह देशद्रोही है। क्योंकि जो सवाल इस मां ने पूछा है, मुझमें तो हिम्मत नहीं है पूछने की, क्योंकि मैं तो अपनी बिरादरी का हिस्सा हूं। मैं सरकार से सवाल पूछ ही नहीं सकता हूं, और अगर मैंने ये सवाल पूछ लिया तो मुझे एंटी नेशनल बता देंगे आप, मेरी जिंदगी नरक कर देंगे। और जो शख्स हमारे समर्थन में आएगा उसे आप सस्पेंड कर देंगे। क्या आप जानते हैं दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से ये ब्यूरोक्रेट आशीष जोशी, इसने दो काम किए थे। पहली बात, बेलाग और बेशर्म कपिल मिश्रा, आम आदमी पार्टी का फॉर्मर विधायक जो कि आजकल बीजेपी का शाटुकार बना हुआ है, इसने जिस भड़काऊ अंदाज में बरखा दत्त, स्वरा भास्कर, शहला रशीद को लिंच करने की बात कही थी, कहा था कि सड़क पर इनके साथ इंसाफ होगा, इस कविता के जरिए। कोई बरखा पुलवामा से ध्यान हटाने लगती है, कोई कविता स्वरा देश को बदनाम कराने लगती है, कभी पीएम के बारे में झूठ फैलाया जाता है, और कभी कश्मीरियों को अंडर अटैक बताया जाता है, कोई नसरुद्दीन देश को दहशत में बतलाता है, लेकिन अगले दिन कराची पूंछ हिलाता जाता है, कोई कमल हासन करता है जनमत संग्रह वाली बात, कोई शहला रोज फैलाती देश विरोधी झूठी बात, अब की बारी उनके घर में घुसकर करना होगा वार, अब की बारी उनके घर में घुसकर करना होगा वार, खींच निकालो बीच सड़क पर घर में छिपे हुए गद्दार, खींच निकालो बीच सड़क पर घर में छिपे हुए गद्दार। जय हिंद। जब आशीष जोशी ने कहा कि इस पर कार्रवाई की जाए तो इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। ये वही ब्यूरोक्रेट हैं दोस्तों जिन्होंने ये भी कहा था कि अभिसार शर्मा और रवीश कुमार को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है उस पर कार्रवाई की जाए। इस ब्यूरोक्रेट को उस बात की सजा मिली, यानी कि सरकार के अंतर्गत गालीबाजों के लिए, धमकी देने वालों के लिए तो जगह है, मगर मेरे जैसे सभ्य नागरिकों के लिए कुछ जगह नहीं है। वापस आते हैं विंग कमांडर अभिनंदन पर, यह सब वॉर हिस्टीरिया का नतीजा है। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी तो वो जंग लड़ेगी जो उसका राजनीतिक नेतृत्व चाहेगा। मगर हो क्या रहा था दोस्तों, जैसे ही सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो में निकल गए, देश को आश्वासन देने के लिए या देश की जनता में खुद को और महसूस करने के लिए? क्योंकि लगातार मीडिया का कवरेज रहा है कि जंग छेड़ो। अरे ये सवाल तुम उन फौजियों के परिवारों से पूछो जो इस वक्त तनावग्रस्त हैं, जिनके पति, जिनके बेटे, जिनके पिता जो हैं इस वक्त बॉर्डर पर हैं, और अगर ये जंग हो जाती है तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये सवाल तुम उनसे पूछो, और वो डरेंगे नहीं, वो माकूल जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, घुटनों पर ला देंगे उन कायरों को। मगर आज जिस तरह से विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तानियों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, ये हमारे सियासी नेतृत्व के लिए एक करारा तमाचा है।
क्योंकि जब मीडिया और देश का सियासत जो है वो युद्धोन्माद की तरफ, युद्ध की तरफ ढकेलता है, तो इसी तरह के परिणाम निकल कर आते हैं, इसी तरह के परिणाम निकल कर आते हैं दोस्तों। आज भी मैं सरकार से इंटेलिजेंस फेलियर पर सवाल नहीं कर रहा। आज भी मैं आपसे यह सवाल नहीं कर रहा हूं कि जो आपने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक 2 में इतने लोग मारे गए, मैं उसके प्रमाण आपसे नहीं मांग रहा हूं, मगर कम से कम उस मां को जरूर याद रखना, क्योंकि उसका बेटा शहीद हुआ है, उसको हक है आपसे हर तरह का प्रमाण मांगने के लिए। मगर आप क्या कर रहे हैं दोस्तों, आप सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी और उस पॉलिटिकल पार्टी के भी शीर्ष पर बैठा एक व्यक्ति यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईश्वर का दर्जा दिलाने के लिए पूरी कोशिश में लगे हैं, चाहे भक्त हो या मीडिया हो। इस मीडिया ने, इस मुख्य धारा की मीडिया ने एक बार भी सवाल नहीं पूछा कि क्या यह इंटेलिजेंस फेलियर था, किसी ने यह सवाल नहीं पूछा दोस्तों। और जब विपक्ष ने सवाल पूछना भी चाहा तो माननीय रविशंकर प्रसाद से लेकर अमित शाह से लेकर तमाम लोगों ने इसे यह बता दिया कि यह पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं। अरे जो लोग इंटेलिजेंस का, जो इंटेलिजेंस फेलियर का सवाल नहीं पूछेंगे वो दरअसल पाकिस्तानी परस्त हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं बार बार दोहराई जाएं। और हम क्यों नहीं सवाल पूछते हैं जब अमित शाह इस पर सियासत करते हैं, हम क्यों नहीं सवाल पूछते हैं जब शहादत के अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इटारसी में या झांसी में जाकर वोट मांगने लगते हैं। हम यह सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि हम डरपोक हैं। मगर यकीन मानिए दोस्तों, विंग कमांडर अभिनंदन डरपोक नहीं है, उसने जिस शालीनता से पाकिस्तानियों का जवाब दिया आज मैं उसे सल्यूट करता हूं। और अब इसकी तुलना कीजिए आप भारतीय जनता पार्टी के जश्न से, क्या यह मौका जश्न का था या आप खुद से सवाल पूछिए दोस्तों। और मैं जानता हूं इस वीडियो के बाद क्या होगा, मेरा नंबर फिर सार्वजनिक कर दिया जाएगा, मुझे फिर गालियां दी जाएंगी, और न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे परिवार को भी घसीटा जाएगा। मगर आज मैं विंग कमांडर अभिनंदन के लिए खड़ा हूं, मैं उस मां के लिए खड़ा हूं जो तुमसे प्रमाण मांग रही है, मैं उन 50 शहीदों के लिए खड़ा हूं जो पुलवामा और उसके बाद की घटनाओं में मारे गए, मैं उनके लिए खड़ा हूं दोस्तों, और हमेशा खड़े रहूंगा, क्योंकि बोल किला आजाद है तेरे।